हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। सरगम म्यूजिक जोन चैनल में फिर से स्वागत अभिनंदन। आशा करता हूँ दोस्तों परमात्मा का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे और सभी सब्सक्राइबर भाई बहनों को जो भी चैनल पर जुड़े हैं और जो नए लोग जुड़ रहे हैं उन सभी को मेरे चैनल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, कुछ दिनों स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, उसके लिए मैं सभी सब्सक्राइबर भाई बहनों से माफी चाहूँगा। तो आज हम सीखने वाले हैं हारमोनियम पर, लेसन को आगे बढ़ाते हुए हारमोनियम पर जो हम आज सिखाने वाले हैं, राग बागेश्री या फिर इसको बागेश्वरी भी बोला जाता है, इसका लहरा सीखने वाले हैं। और ये लहरा है दोस्तों 16 मात्रा का लहरा है। 3 ताल के अंदर हम इसका अभ्यास करेंगे और इसका जो टेम्पो हम रखेंगे वो रखेंगे 60 BPM। तो राग बागेश्वरी की हम बात करें दोस्तों, तो बहुत ही खूबसूरत राग है। थाट काफी से लिया हुआ राग है, जैसा कि ट्यूटोरियल चैनल पर कुछ दिनों पहले ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है राग बागेश्वरी का। जिन्होंने अभ्यास नहीं किया है वो अभ्यास करें, और साथ ही साथ आज हम इस लहरे को आपको सिखाएंगे। तो पहले हम राग बागेश्वरी के बारे में थोड़ा बता देते हैं। जैसा कि इसके आरोह में दोस्तों रे और प वर्जित होता है। थाट काफी का राग है गांधार कोमल और निषाद कोमल, थाट काफी के अंदर प्रयोग होता है। आरोह और अवरोह में रे और प वो सॉरी आरोह में रे और प वर्जित होता है और अवरोह थोड़ा इसका अलग तरीके का है। देखिए, एक बार मैं इसका आरोह अवरोह आप लोगों को सुना देता हूँ, उसके बाद लहरे को हम राइटिंग में समझेंगे, फिर हम जो है स्लोली स्लोली हारमोनियम पर समझेंगे। चलिए, तो थाट काफी का आरोह अवरोह होता है, देखिए सा रे गा कोमल मा पा धा नी कोमल और ये सा, ये थाट काफी का आरोह है। अवरोह वही सेम पैटर्न, सा नी कोमल धा पा मा गा कोमल रे और ये सा, ये है थाट काफी का आरोह और अवरोह। अब हम राग बागेश्वरी की बात करते हैं, तो आरोह में क्या है, रे और प वर्ज्य है, तो क्या होगा इसका जो आरोह होता है बागेश्वरी का, देखिए सा यह है इसका आरोह। देखिए सा गा मा धा नी सा। दोस्तों गला अभी थोड़ा खराब है तो माफी चाहूंगा, गले में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, बट आप लोग जो है अपने हिसाब से अभ्यास करें। देखिए, ये इसका आरोह था, अवरोह होता है, देखिए थोड़ा अलग तरीके का अवरोह होता है इसका, सा नि धा म पा धा म गा रे सा, ये अवरोह है इसका, सा नि धा म पा धा म गा रे सा। और इसका वादी स्वर होता है म और संवादी स्वर है इसका सा। तो ये हो गया दोस्तों राग बागेश्वरी का आरोह और अवरोह। तो अब हम पहले क्या करते हैं, लहरे को समझते हैं। पहले हम राइटिंग में लिखेंगे, उसके बाद हारमोनियम पर समझेंगे स्लोली स्लोली। देखिए, तो हम लिखते हैं राग बागेश्वरी, राग बागेश्वरी या फिर इसको बोलते हैं बागेश्वरी भी बोला जाता है, बागेश्वरी। तो 16 मात्रा का लहरा है, 3 ताल के अंदर इसका अभ्यास करेंगे
और जो स्पीड है यानी टेम्पो हम रखेंगे 60 BPM। तो ये हो गया हमारा। तो जिस प्रकार हम हमेशा लिखते हैं, चार चार विभागों में 16 मात्रा को लिखा जाता है, किस प्रकार से देखिएगा, तो किस प्रकार का इस लहरे का जो पैटर्न है वो देखेंगे। तार सप्तक के सा से शुरुआत होती है, सा सा सा, यानी तीन बार सा 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 है, उसके बाद सा और ये रे, ये तार सप्तक का ही है रे भी। तो ये जो सारे है ये एक मात्रा पर है, तो ये हमारी होगी चार मात्राएं। अब अगली मात्रा हमारी है नी, नी कोमल है नीचे अंडरलाइन, उसके बाद धा, धा शुद्ध रहेगा, फिर नी कोमल और ये धा, और ये जो ये वाला नी धा है ये एक मात्रा पर है, यानी नीचे इस प्रकार से साइन जो दिखाया है वो एक मात्रा का साइन है। तो ये फिर उसके बाद हमारा सा, तो ये हमारी हो गई आठ मात्राएं। उसके बाद अगली मात्रा है हमारी गा पर आ जाते हैं हम सीधे, कोमल गा पर, यानी ये कोमल गा है, उसके बाद मा पा, और ये जो मापा है ये एक मात्रा पर है, फिर हमारा आता है रे और ये सा। इस तरह का पैटर्न है, 12 मात्राएं हो गई। फिर उसके बाद रे मा धा, फिर है नी धा, नी कोमल धा, और ये जो नीधा है ये एक साथ है। तो ये हो गई हमारी टोटल 16 मात्राएं। उसके बाद हमारा लहरा आगे कंटिन्यूस चलता है, तो हम फिर उसे वही करेंगे, सा 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 जो है इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, इसी प्रकार का पैटर्न होता है। तो देखिए 1 2 3 यानी सा सा सा, तार सप्तक का सा सा सा, फिर सा तार सप्तक का, रे तार सप्तक का एक मात्रा पर, फिर नी कोमल धा, यानी ये एक एक मात्राएं हैं, उसके बाद फिर नी कोमल और ये धा, यानी ये जो नीचे लाइन किया है ये दो स्वर एक मात्रा पर हैं, फिर सा, फिर गा, फिर मापा, यानी ये जो मापा है एक मात्रा पर है, रे सा, उसके बाद फिर रे मा धा, फिर नी धा, यानी नी धा एक मात्रा पर, यही सेम पैटर्न है, उसके बाद सा सा। तो पहली पर सम, यानी सम को क्रॉस से दिखाया जाता है, सम माने शुरुआत। उसके बाद जो हमारी पांचवी मात्रा होती है उस मात्रा पर दूसरी ताली, यानी ताली बजती है, दूसरी ताली, यहाँ पर पहली ताली या दूसरी ताली होगी। फिर जो नौवीं मात्रा है वहाँ पर हमारी ताली नहीं बजती, यानी खाली होती है, खाली को जीरो से दिखाया जाता है। उसके बाद जो तेरहवीं मात्रा होती है यहाँ पर हमारी तीसरी ताली होती है। तो ये जो है तीन ताल का पैटर्न होता है, इसका भी तीन ताल का भी ट्यूटोरियल ऑलरेडी चैनल पर डला हुआ है। तो दोस्तों ये था राग बागेश्वरी का लहरा, 16 मात्रा का लहरा है तीन ताल के अंदर। देखिए राग बागेश्वरी का आरोह अवरोह भी एक बार मैं इसमें लिख देता हूँ, आप लोग चाहे तो इसको नोट कर लीजिएगा। आरोह इसका होता है, देखिएगा, सा गा कोमल, लिखेगा ध्यान से, सा गा कोमल मा धा नी और ये सा, ये इसका आरोह होता है, ये नी कोमल है। उसके बाद इसका अवरोह होता है, थोड़ा अलग प्रकार का है, और अवरोह में ही पूरे राग की खासियत होती है। तो अवरोह है इसका सा नी कोमल धा, सानी धा है। उसके बाद क्या है, मापा धा मा, मा पा धा मा, इस प्रकार का पैटर्न है। फिर मापा धा मा, फिर गा कोमल है ये रे और ये सा। तो ये है राग बागेश्वरी का आरोह और अवरोह, आप इसको भी नोट कर लें। अगर राग का आरोह अवरोह यदि आपको याद हो जाता है तो आप जो है ताल को जल्द ही समझ जाएंगे। तो देखिए सा गा मा धा नी सा नी, इस प्रकार से, फिर सा नी धा मा पा धा मा गा रे सा, इस प्रकार का इसका आरोह और अवरोह है, और ये लहरा है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए तो अब हारमोनियम पर हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। देखिए कैसे
तार सप्तक के साथ से शुरुआत होती है। स्लोली स्लोली मैं आपको बताऊंगा, देखिएगा। तीन बार सा 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 था हमारा, ये ध्यान रखेंगे। देखिए अपनी बुक पर नोट कर ले, तीन बार सा 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 है, फिर सारे एक साथ है। देखिए सा सा सा, तीन बार, यानी एक एक स्वर एक मात्रा पर। तो क्या है, एक एक स्वर एक एक मात्रा पर, यानी देखिए सा सा सा, तीन स्वर यानी तीन मात्राएं हो गई। अब अगली चौथी मात्रा है सारे, ये जो सारे है ये एक मात्रा पर है, यानी एक मात्रा पर दो स्वर सारे। देखिए तो ये क्या होगी, चार मात्राएं। कैसे, देखिए फिर से सा 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 सारे सारे एक साथ, तो होगी चार मात्राएं। अब पांचवी मात्रा क्या है, नी, ये पांचवी यानी सिंगल मात्रा है। देखिए नी कोमल है, नी, फिर धा, धा छठी मात्रा, नी पांचवी, धा छठी, फिर सातवीं जो मात्रा है वो दो स्वर एक साथ है, यानी क्या है, नी धा। देखिए नी धा एक साथ है, निधा सा, आठवीं मात्रा है सा। देखिए सातवीं है निधा, आठवीं सा। तो ये होगी हमारी आठ मात्राएं। तो कैसे, देखिए एक साथ करेंगे आठ मात्राओं को, सा 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 सारे निधा निधा सा, ये हो गई आठ मात्राएं। अब जो नौवीं मात्रा है, यहां से सीधे हमें यहां जंप किया है, यानी कोमल गा पर। तो कोमल गा पर किया है जंप, देखिए गा, सिंगल मात्रा है, यानी ये है हमारी नौवीं मात्रा गा। और दसवीं मात्रा मा पा, दो स्वर एक साथ है दसवीं मात्रा पर मा पा। देखिए गा मा पा दसवीं, फिर ग्यारहवीं मात्रा है रे, बारहवीं है सा, ग्यारह बारह, तो क्या है गा मा पा रे सा, ये भी बारह मात्रा है। अब तेरहवीं मात्रा है, देखिए रे, सिंगल मात्रा रे, चौदहवीं है मा रे मा धा, तो क्या होगी रे 13 मा, 15 सॉरी 14, फिर उसके बाद 15 है धा रे मा धा 13 14 15, और जो 16 मात्रा है वो है निधा, दो स्वर एक मात्रा पर। देखिए निधा निधा, 16 मात्रा, 16वीं मात्रा निधा सा सा सा। तो इस प्रकार से आगे जो है लहरा कंटिन्यू चलेगा। तो देखिए 16 मात्रा को एक साथ देखेंगे, देखिए कैसे सा 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 सारे निधा निधा सा गा मा पा रे सा रे मा धा निधा सा 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 सारे निधा
तो इस प्रकार से दोस्तों लहरा जो है कंटिन्यूअस चलता रहता है। देखिए थोड़ा सा ओनली इंस्ट्रूमेंटल में करेंगे, इस तरह से जो है इसका अभ्यास करेंगे। कर्ण स्वर भी लगाने की कोशिश जरूर करें लहरे के अंदर, तो अंदाज बहुत ही खूबसूरत लगता है। बिना कर्ण स्वर के सिंगल सिंगल स्वरों में लहरा जो है सुना सुना लगता है। तो कैसा लगा प्रयास दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभ्यास कीजिएगा इस लहरे का, नगमे का। बहुत ही फायदा होता है लहरा और नगमों का अभ्यास करने से। यदि आप कहीं पर संगत करते हैं और प्रोग्राम में कुछ प्ले करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज लगता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक दोस्तों आप लोग जहां कहीं भी हों विश्व में, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।